हाय एवरीवन कैसे हैं आप गाइस आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम पेपर से बहुत ही खूबसूरत पत्तियां बना सकते हैं तो गाइस इसके लिए मैंने लिया है एक ग्रीन कलर का पेपर और अब मैं इसे एक स्क्वायर शेप दे दूँगी स्क्वायर शेप देने के लिए आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए ये देखिए और जो एक्स्ट्रा है उसे आप कट कर लीजिएगा लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा बहुत ही केयरफुल होकर गाइस अब हम इसे ये देखिए इस तरीके से हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे हमें पत्ती बनाने के लिए ट्राइंगल शेप चाहिए ये देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने एक शेप होगी अब हम क्या करेंगे ये जो बीच का जो हिस्सा है इसे नीचे की तरफ अच्छे से फोल्ड कर देंगे और गाइस डिटेलिंग जरूर करते हुए जाइएगा आप अब इसे छोटे छोटे हिस्से को आप देखिए कुछ इस तरीके से आप फोल्ड करते हुए जाइए ये देखिए लास्ट तक आपको ऐसे ही रिपीट करना है और इसे फोल्ड करते हुए जाना है आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत पत्ती बनके तैयार हो जाएगी जिसे आप स्कूल प्रोजेक्ट में हल्दी डेकोरेशन में बर्थडे डेकोरेशन में कहीं भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इवन ग्रीटिंग कार्ड्स में भी आप इनका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो तो ये देखिए अब हमने अपनी पत्ती को पूरी तरीके से फोल्ड कर लिया है मिड से मिड से हम इसके दोनों हिस्से को इस तरीके से पकड़ लेंगे और पीछे की तरफ से आप इसको स्टैपलर की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे आप चाहते हैं तो आप फेविकोल भी यूज़ कर सकते हैं बट स्टेपलर उसको अच्छे से सिक्योर करेगा ये देखिए गाइस बनी है ना बहुत ही खूबसूरत सी पत्तियाँ ये देखिए अब हमें क्या करना है अपने नाखूनों की मदद से इसको थोड़ा सा डिटेलिंग कर देना है इस तरीके से ताकि हमारी जो पत्ती है वो देखने में बहुत ही शार्प लगे और खूबसूरत भी लगेगी तो ये देखिए इसका यूज़ आप किसी भी फ्लावर में करिए घर डेकोरेट करने में करिए किसी भी तरीके से करिए और हाँ हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें और अपना हमेशा ध्यान रखिए थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी